ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि मैं अपनी पूरी ईरानी कौम का साल का रिस्क इन अयामे फातिमिया में हासिल कर लेंगे। आप अंदाजा कीजिए कि आप किसकी बारगाह में हाजिर हैं। क्या कहने, वाह वाह, किस बीबी के बारगाह में यहाँ हाजिर हैं कि जिसे अल्लाह ने वो अजमतें अता की है, अल्लाह ने उन्हें वो फजीलत अता की है कि इस कायनात इंसानियत में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फजाइल और करामात को जान सकता। इसलिए कि जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के अलकाब में ये लकब है कि उम्मुल ईमान भी है, उम्मुल बुलूम भी है, उम्मुल बरकात भी है और उम्मुल सखावत भी है। तमाम उलूम का मरकज जनाबे सैयदा की जात है, तमाम तहारतों का मरकज जनाबे सैयदा की जात है, ईमान का मरकज जनाबे सैयदा की जात है, करामात का मरकज जनाबे सैयदा की जात है। भाई क्या कहने हैं बाबा, ये वो बीबी है कि जिसकी अजमत ने अल्लाह की बारगाह से वो कुछ हासिल किया है कि हम तो सिर्फ अपने लिए एक सादत के तौर पर शहजादी का जिक्र कर लेते हैं, वरना हमारी मजाल नहीं है कि हमारे वहमों गुमान में भी हमारे तसव्वुर में भी जनाबे सैयदा के फजाइल आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, नहीं मुमकिन है, नहीं मुमकिन है। इसलिए कि जनाबे सैयदा के सिलसिले में अमीरे कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है, कौन अली जो शेरे खुदा है, कौन अली जो हाजत नवा है, कौन अली के जिसकी विलायत पर हम फख्र कहते हैं, वो अली कहते हैं, वो अली कहते हैं जनाबे सैयदा के लिए। अली फरमाते हैं कि मैं वो अल्लाह का वली के दुनिया के लोग मेरे फजाइल के गुण गाते हैं, लेकिन मैं अली फख्र करता हूँ फातिमा पर और उसके फजाइल को बयान करता हूँ। फख्र है कि मैं फातिमा जहरा के फजाइल को बयान करता हूं। कौन अली मुश्किल कुशा कहते हैं कि फातिमा, और फातिमा वो है कि जिसकी बारगाह में बहुत अच्छी मंजिल है। देखिए मैंने जुमले कहे, अगर तवज्जो से आप बहुत मुख्तसर अर्ज करूंगा, जनाबे अमीरुल मोमिनीन जनाबे सैयदा से खिताब करके कहते हैं अंत आलम, वाह वाह वाह, ए सैयदा तुम हम सबसे ज्यादा अल्लाह की मार्फत रखने वाली हो। अब अशरफ अकरम, तेरा फजल तेरा करम तेरा शरफ इतना बुलंद है कि आपको अल्लाह की बारगाह में वो खुसूसियत हासिल है कि अल्लाह ने जो आपको खल किया कायनात से मुनफरिद बनाकर खल किया है। सैयदा की खिलकत पूरी कायनात में मुनफरिद है। जनाबे सैयदा जिसकी खिलकत किसी कायनात में किसी की नहीं हुई है, ये वो बीबी है कि जिसके लिए किसी शायर ने कहा कि जनाबे सैयदा है क्या तस्वीर मौजज़ात पैगंबर है फातिमा, तस्वीर मौजज़ात पैगंबर है फातिमा, शाफ है वो शफीए महशर है फातिमा, शाफ है वो शफीए महशर है फातिमा, बिनते रसूल इमामों की मादर है फातिमा, बिनते रसूल इमामों की मादर है फातिमा, ज़ुर्रियते कसीर कौसर है फातिमा। जनाबे फातिमा बुलंदतर सलवा।
कसीर की कौसर है फातिमा, आई रुमूज़े नस्ले पैगंबर लिए हुए, आई रुमूज़े नस्ले पैगंबर लिए हुए, अबू जहल के लिए उवल अब्दर लिए का अंदाजा कौन लगा सकता है कि जो इमामों की इमाम हो, जो हुज्जतों की हुज्जत, जो हुज्जतों की हुज्जत, जिसके लिए इमाम पंजुम नूरे पंजुम ने ये ऐलान फरमाया, जो हदीस मैंने आपके सामने अर्ज की कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाई जनाबे सैयदा के शान में के कारण मफरूजतुन तात तमाम मखलूकात तमाम खलाइक पर, जिनको अल्लाह ने खल किया है, चाहे जिन्नों में से हो, इंसानों में से हो, तयूर में से हो, वहशी में से हो, मलाइका में से हो, अंबिया में से हो, सब पर जनाबे सैयदा की इताअत वाजिब है, सब पर जनाबे सैयदा की इताअत वाजिब है। ये वो बीवी कि जिसे अल्लाह ने खास इंतखाब किया, खास इंतखाब, और ये लिखा गया हदीसों में कि जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ है अल फातिमा खैरतुल्लाह, फातिमा वो है कि जिसे अल्लाह ने अपना खास इंतखाब किया है। बहुत अच्छा है, वाह वाह, जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ है, वाह 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 वाह। जिसकी अजमत को देखिए, बड़ा जुमला है जो मैंने अर्ज किया आपके सामने, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन सैयदुल औसिया, सैयदुल औलिया, जिसकी मंजिले, जिसकी शान, जिनकी अजमत क्या कम है कि उसके लिए जनाबे सैयदा फख्र बन जाए। क्या मामूली बात है, क्या अली के लिए जनाबे सैयदा फख्र बन जाए। और अली, मैं कहता हूँ खुदा की कसम, कायनात के मुश्किल कुशा, और उसके लिए फख्र जनाबे सैयदा है। अब सोचने की बात है, सोचने की बात है कि आखिर राज क्या है, आखिर इसके पीछे क्या राज है कि जनाबे फातिमा जहरा सैयदुल औसिया की सैयदा बन जा, सैयदुल औसिया की सैयदा जनाबे फातिमा जहरा है, इसके लिए मौला ये जुमले फरमाए, तो उसके पीछे राज क्या है, क्या हकीकत है कि जनाबे सैयदा का ये मर्तबा क्यों है, जनाबे सैयदा को ये अजमत क्यों अता की हुई है, क्यों ना हो कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे सैयदा की बारगाह में आते हैं और आकर सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल जनाबे सैयदा की बारगाह में और सवाल कर रहे हैं, सवाल क्या है, जनाबे रसूल खुदा जनाबे सैयदा के पास आकर कहते हैं, बेटा अभी मेरे पास जिब्राइल आए हैं, मेरे पास बैठे हैं, समझ आए जहां जहां बैठे, बेटा फातिमा मेरे पास जिब्राइल आए हैं और मेरे पास बैठे हैं, और उसे अल्लाह ने ये पैगाम दिया है कि मेरे हबीब आप अपनी बेटी दुख्तर फातिमतुल जहरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछे कि उनकी क्या तमन्ना है, उनकी क्या हाजत है, उनकी क्या आरजू है। बड़ी तवज्जो जाने बैठे, देखिए बहुत अजीब मंजिल है, क्यों जनाबे सैयदा को यह अजमत अता हुई है, अल्लाह का रसूल पूछ रहा है, खुद नहीं जिब्राइल आया, और जिब्राइल आकर कहता है या रसूल अल्लाह अपनी दुख्तर ने कहता से जनाबे सैयदा से सवाल करें कि अल्लाह कह रहा है आपकी कोई हाजत है, आपकी कोई आरजू है, आपकी कोई तमन्ना है। अब पूछने वाली रसूल खुदा, जवाब देने वाली जनाबे सैयदा, मैं जनाबे सैयदा का जवाब सुने, रसूल का सवाल अल्लाह की जानिब से सुन लिया, तो जनाबे सैयदा
जवाब में कहती है, बाबा मैं मशगूल हूँ, मशगूल हूँ सिर्फ अल्लाह के जिक्र में। मैंने अपने आजाद का महवर, अपने ईमान का महवर, अपनी इबादतों का महवर उस खुदा को बनाया है। कायनात हमसे मुश्किल पुछाई चाहती है, मैं उससे मुश्किल पुछाई चाहती हूँ। मैं उसी की याद में, उसी के जिक्र में, उसी में मैं मसरूफ हूँ, मेरी कोई हाजत नहीं। मैं इनसे इस तरह से कि मैं उसके इश्क में और उसकी मारिफत में, उसकी इबादत में इस तरह मसरूफ हूं कि मैं इस दुनिया की कोई हाजत नहीं रखती। ला हाजत नी बगैर नजर वजह करीम। बाबा मैं कोई हाजत नहीं रखती सिवाय उसके कि उसकी नजर करम मुझ पर रहे। फातिमा की कोई हाजत नहीं है सिवाय इसके कि उसकी करम नजर करम उस पर बात रहे। यानी जनाबे सैयदा ने अपने आप को अल्लाह के लिए मखसूस कर लिया है, अल्लाह के लिए है। तो जनाबे सैयदा अल्लाह के लिए अपने आप को मखसूस करने का मकसद क्या है? उस अल्लाह से अपनी जानिब से लेती है और अपने रसूल की उम्मत को अदा करती है। ये जनाबे सैयदा है। बिल्कुल कि उसका करम, उसकी नजरे करम उस पर रहे। ये जनाबे सैयदा जिसे अल्लाह ने ये मर्तबा अता किया, ये मर्तबा अता किया है। और जनाबे सैयदा का मशहूर नगमा, मशहूर बयान, मशहूर कौर जो मरकज और महबर है जनाबे सैयदा का, वो सिर्फ यही है कि क्या जनाबे सैयदा चाहती है, क्या जनाबे सैयदा का मकसद हयात है, जनाबे सैयदा क्या चाहती है। जब पूछा गया तो कहा, रजी तो मैं राजी हूं, सुभान अल्लाह, बिरज़िल्लाह व रसूल, सुभान अल्लाह, मैं उस बात पर राजी हूं जिस बात पर मेरा अल्लाह और रसूल राजी है। सुभान अल्लाह, मेरी कोई और बात नहीं है, मैं तो इसमें खुश हूं जिसमें मेरा रब खुश है। मैं तो इस बात पर खुश हूं जिसमें रसूलुल्लाह खुश है। ये जनाबे सैयदा का वो नगमा है जो हमेशा जनाबे सैयदा के जबान पर जारी रहता था कि रजी तो मैं राजी हूं, मैं खुश हूं किस बात पर खुश हूं, उस बात पर खुश हूं जिस बात पर मेरा रब खुश है, जिस बात पर मेरा रसूल खुश है। ये वो अजमत है जनाबे सैयदा की, जिसने अपने आप को खुदा से इतना, और वो मंजिल जनाबे सैयदा की कि क्या मर्तबा है जनाबे सैयदा का। देखिए अल्लाह से इतनी कुर्बत, अल्लाह के साथ इतना लगाव, अल्लाह की इतनी याद वो जिंदगी का महवर बने। तो फिर जनाबे सैयदा की जिंदगी का आलम यह है कि पूरी जिंदगी में खुशू और खुजू के साथ जनाबे सैयदा उसकी बारगाह में हाजिर है, याद है। खुशू और खुजू जनाबे सैयदा का कौन समझ सकता है? अभी तो खुशू का ताल्लुक हमारे आजाए जाहरी से, खुजू का ताल्लुक आजाए जाहरी से होता है और खुशू का ताल्लुक इंसान के कल्ब से होता है। यानी जनाबे सैयदा मरकज व महबर है। बहुत खूब। खुजू और खुजू का क्या मतलब? कि इंसान के अपने जाहरी आजा से खुजू जाहिर हो। कैसे? कि जब उसकी बारगाह में ये इंसान खड़ा हो तो उसके आजा से उसका अदब जाहिर हो। क्या है? इंसान के आजा से जब उसकी बारगाह में खड़े हो तो फिर उसे पता चले कि उसके आजा से अल्लाह का अदब जाहिर।
जाहिर हो रहा। समझते हैं ना कि अल्लाह का अदब क्या है, नमाज में जब खड़े हो जाए तो इंसान को कैसे खड़ा होना चाहिए उसकी बारगाह से, वो हमारे आजा से ये हमारा वुजू है। और वुजू क्या है कि कल इतना मुनव्वर हो कि यहाँ बैठ कर वहां के नजारे करता हो। यही रिवायतों में मौजूद है, यही रिवायतों में मौजूद है कि जब भी जनाबे सैयदा महराबे इबादत में आती थी, बड़ी तवज्जो जहां कुल्लमा, जब भी महराबे, जब भी जनाबे सैयदा महराबे इबादत में आती थी, अल्लाह मलाइका को आवाज देता था, या मलाइकती उंजर इला अम्मती, ए मेरे मलाइका जरा मेरी उस कनीज की तरफ देखो। तवज्जो नहीं है, जहां बैठे महराब इबादत में आ जाए जनाबे सैयदा, तो अल्लाह मलाइका को फखर से कहे, ए मेरे मलाइका जरा देखो मेरी उस कनीज की तरफ जो महराब इबादत पर आई है। तो तारीख कहती है, रिवायत कहती है कि 70,000 फरिश्ते सिर्फ जनाबे सैयदा के इबादत की हालत को देखकर दुरूद पढ़ते हैं। सिर्फ खड़ी है जनाबे सैयदा महराबे इबादत में, तो 70,000 फरिश्ते जनाबे सैयदा के लिए दुरूद पढ़ रहे हैं। क्या अजमत है उस इबादत की, क्या वो लज्जत इबादत होगी जो जनाबे सैयदा को अता हुई है, वो क्या मर्तबा इबादत होगा जो अल्लाह की बारगाह से जनाबे सैयदा को अता हुआ है। तो यही कई दफा ऐसा हुआ अजीजों के जनाबे सैयदा अपनी इबादत इलाही में इस अंदाज के साथ कि उसकी बारगाह से मांगती है। जनाबे सैयदा का एक लकब हानिया है, हानिया जैसे अल्लाह का लकब है ना, हन्नान या हन्नान या मन्नान, वाह वाह वाह, हानिया सबसे ज्यादा चाहने वाली, जनाबे सैयदा हानिया मुश्तका अपने घर के लिए, अपने जोज के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने बाबा की उम्मत के लिए, इससे बड़ी कोई मेहरबान नहीं बीबी जितनी जनाबे सैयदा मेहरबान है हानिया। यानी वो जनाबे सैयदा की अजमत के उम्मत के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने घर के लिए जनाबे सैयदा ने उस घर को वो एक मंजर अता कर दिया अजीजों कि वो जो घर जिसे हम अली और फातिमा जहरा का घर कहते हैं, कुरान में उस घर के लिए तस्करा हुआ कि इस घर में तस्बीह होती है, इस घर में जिक्र इलाही होता है। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये कौन से घर है जिनका कुरान में जिक्र हो रहा है कि यहाँ इबादत होती है, यहाँ तस्बीह होती है, वो घर कौन से? अल्लाह के रसूल ने कहा, अंबिया के घर। वो अंबिया के घर है। खलीफा अव्वल ने एक मर्तबा इशारा करके कि जिस घर का दरवाजा मस्जिद नबवी में खुलता था उस घर की तरफ इशारा करके कहा, अल्लाह के रसूल क्या ये घर भी उसमें शामिल है? मस्जिद नबवी में खुलता है, सारे दरवाजे बंद है, सिर्फ अली और फातिमा के किया है, आपने अपने मर्जी से किया या अल्लाह के कहने से? आपने सबके दरवाजे बंद कर दिए, सिर्फ अपने दामाद के दरवाजे को खुला रखा। ये दरवाजे को खुला रखना क्या मकसद है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, मुझे कसम है उस जात की कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, इसने मुझे नबी बनाया है, ना मैंने तुम्हारा दरवाजा बंद किया है, ना मैंने अली और फातिमा का दरवाजा खोला है, ये अल्लाह का हुक्म है। Thank you.
जहां फरिश्ते आते हैं। बड़ी अजीब मंजिल है, बस ज्यादा नहीं अर्ज करूंगा। जनाब सलमान फारसी जानते हैं ना, ईमान के दसवें दर्जे पर अपनी ऋषि मुबारक से दरवाजे सैयदा पर झाड़ू मारता है। क्या सुन लो अदादार, एक दिन आया दरे सातवा जरा, जनाब सैयदा ने जनाब सलमान से कहा, अच्छा सलमान मैं जरा हुसैन का झूला झूलाते, मैं अभी हुसैन सो रहे हैं झूले में, मैं हुसैन का झूला झूलाता, आप जरा इस चक्की में चंद दाने रह गए, वो जौ रह गई, गंदम रह गई, जरा इसे आप थोड़ी देर के लिए पीस दे ताकि वो दाने पीस जाए। आटा मिल रहा है, बड़ी तवज्जो अदादार, अगर मेरी तवर आप मुतवज्जे है ना। जनाब सलमान से जनाब सैयदा ने कहा कि जरा आप थोड़ी देर के लिए चक्की को चला। सलमान कहता है जैसे ही ना मुझे ये हुक्म मिला और मैं उस चक्की के करीब आया तो मैं समझा कि मैं परवाज कर रहा हूं, मैं तो अर्श में पहुंच गया। कहां वो चक्की जिसे सैयदाए आलम अपने हाथों से चला रही हो, उस चक्की की ड्यूटी मुझे दी गई, मैं तो अर्श पर पहुंच गया, मेरी तो मेराज हो गई। और आगे का जुमला सुनना, जहां तक जितने हैं आप, अगर आप तक ये जुमला पहुंच जाए, सलमान कहता है जनाब सैयदा ने जब मुझे ये हुक्म दिया और मैं उस चक्की के करीब आया उसे चलाने के लिए, जानते हैं ना वो जो अंडा होता है जिसे गाया जाता है तो दाने पीसते हैं, उसने जनाब सलमान ने कहा बस मैंने चक्की के उस मरकज को गड्ढे को एक चक्कर ही दिया था तो मैंने समझा दोनों जहां मेरे कब्जे में है। क्या कहने, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारा तकबीर अल्लाह, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, हैदरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मान कहता है कि मैंने ऐसे हम कि मैं दोनों जहां मेरे कब्जे में है, मैंने चक्की को चलाया थोड़ी देर के लिए, इतने में बिलाल की आवाज की अजान सुनी, बस जैसे ही अजान हुई जनाब सैयदा महराब इबादत में चली गई। मैंने भी यही सोचा कि अभी बिलाल की अजान खत्म हो रही है, अमीर कायनात अकामत कहते हैं, मैं भी जाकर इस नमाज में शामिल हो जाऊं और फिर आके इस ड्यूटी को अंजाम दूं। कहते मैं जल्दी से गया, जाकर नमाज पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने नमाज खत्म की, खुतबा देना शुरू किया, मैं वापस पलटा ताकि जो काम रह गया उसे जाकर करूं। जाके सुन रहा सलमान 10 कब्जे फायदे ईमान पर, जनाब सलमान कहता मैं पलटा, मैं वापस आया अपनी ड्यूटी अदा करने के लिए तो मैंने अजीब मंजर देखा। क्या देखा, आदमी कोई नहीं है, चक्की चल रही है। सलमान कहता है मैंने अजीब मंजर देखा कि आदमी कोई नहीं है, चक्की चल रही है, जनाब सैयदा महराब इबादत पे है, हुसैन का झूला चल रहा है। मैं हैरान हो गया कि ये क्या माजरा, कोई मौत मौजूद नहीं है, चक्की भी चल रही है, झूला भी झूल रहा है, कोई मौजूद नहीं है सैयदा महराब इबादत में, जनाब सलमान कहां पहुंचा होगा। उसने कहा कि एक मर्तबा मैंने जब मुड़कर देखा सामने वजहुल्ला नजर आया। वजह है ना जी, मौला कायनात पर निगाह पड़ी, जैसे मेरी निगाह पड़ी तो मौला अली ने मुझसे पूछा मंजर, ए सलमान आज कोई नया मंजर देख लिया, कोई नया मंजर देख लिया मैंने, बताया या अली क्या बात है, चक्की चल रही है, झूला झूल रहा है, कोई झूला झूलाने वाला नहीं है, चक्की पीसने वाला नहीं है, लेकिन ये चल रही है। कहा हाँ सलमान अगर पूछना चाहते हैं ना तो चलते हैं उस रसूल की बारगाह में। बहुत अजीब जुमला है, अगर आपने ढंग पे तवज्जो फरमाई, कहा अल्लाह जनाबे अमीर ने कहा कि चलते हैं वहां और वहां जाकर पता करते हैं। अब क्यों जो पलटे मस्जिद में आए रसूल खुदा को देखा, तवज्जो है ना, जहां जहां बैठे थे तो सही साहब में जुमला कहूं, किसी बड़े आलिम ने यह जुमला कहा, कैसे मुकद्दर वाले वो लोग थे, कितने मुकद्दर वाले वो लोग थे कि जो इधर देखे तो मुर्तदा नजर आए, इधर देखे तो मुसलमान नजर आए। वाह वाह वाह,
پہنچے جناب رسول خدا کی بارگاہ, جناب رسول خدا نے جناب سلمان کو حیران دیکھا کہ سلمان کوئی نیا منظر دیکھا, یا رسول اللہ پورا واقعہ بتا دیا, چکی چل رہی ہے چلانے والا کوئی, جھولا جھول رہا ہے کوئی, جھلانے والا کوئی نہیں, اللہ کے رسول نے خطبہ چھوڑ دیا. سلمان کو دیکھ کر جواب دیا اللہ کے رسول نے کہ اللہ رسول کہہ رہا ہے سلمان اللہ نے کئی ہزار فرشتے اس دنیا میں خلق کیے ہیں جو در فاطمہ پر حاضری دیتے ہیں. اللہ نے اتنے فرشتے خلق کیے ہوئے جو در فاطمہ پر نوکری دیتے ہیں. یہ وہ گھر ہے عزیزو, یہ وہ سیدہ ہے, یہ وہ بی بی ہے عزیزو, کہ جس نے اس دنیا کو وہ نور عطا کیا ہے جس نور سے یہ پوری کائنات روشن ہے. یہ جناب سیدہ کا نور ہے, ام الایمان جناب سیدہ. بس میں نے ختم کیا ہے, ایک جملہ سن لیجیے, جناب سیدہ کی زیارتوں میں سے زیارت بہت عجیب, بس اس زیارت کو اگر توجہ فرما لیں تھوڑی دیر کے لیے, اس سے زیادہ نہیں عرض کروں گا, مختلف انداز سے اس زیارت کو پڑھا جاتا ہے. ممتحنت امتحنت اللہ خلق کا ایک طرح یہ پڑھا جاتا ہے, دوسرا طریقہ سلام علیک یا ممتحنت, یعنی کہا سلام کیا جاتا ہے اور کہیں بغیر سلام کیا. شیخ الطوسی نے اس کو بیان کیا. اب بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ یہ جب بارگاہ معصومین میں آتا ہے آدمی تو ظاہر ہے وہاں ادب کا طریقہ ہے کہ سلام کیا جائے, بغیر سلام کے نہیں. یہ اس زیارت میں سلام کیوں نہیں ہے, کہیں ہے کہیں نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, کہا ہو سکتا ہے شیخ الطوسی بھول گئے ہو, انہوں نے آگے کی زیارت شروع کر دی. کہیں اس کا سبب بڑی توجہ کے ساتھ اگر یہ بتایا کہ السلام علیک کہہ کر اشارہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ کہیں دنیا کو جناب سیدہ کی قبر کا پتہ نہ چل جائے, لوگ نشان میں ڈھونڈ لے اس لیے کہ جناب سیدہ کے مظالم میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ جناب سیدہ کی قبر ابھی تک مخفی ہے. قبر کا مخفی ہونا یہ بھی جناب سیدہ پر ظلم, اور تاریخ میں معلوم ہے نا کہ مولا علی نے 40 قبریں بنائی تھی, 40 قبریں کیوں بنائی تھی, سب کے نشان مٹا دیا کیوں, اس لیے کہ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے, یہ بھی انقلاب کا پیش خیمہ ہے. قبر سیدہ کا نشان نہ ہونا امت سے سوال کرتا ہے, اور ایسا نہیں ہے یہ سوال کہ یہ سوال دب جائے گا, قیامت تک یہ سوال ابھرتا رہے گا, اور آج کل تو بہت ابھر رہا ہو. میں سن رہا تھا ایک جگہ ایک بڑے عالم اہل سنت کے بیان کو, جن سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا یہ کچھ ہوا تھا, یہ جو کچھ کہا جاتا ہے یہ کچھ ہوا تھا, کہاں ہوا تھا, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اب اتنا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت تک اسے جان نہیں چھڑا سکتے ہیں. ضرور پڑھے مل کے بولا نواز امتحان تھا, اللہ نے آپ کا امتحان لیا جس اللہ نے آپ کو خلق کیا, کب لیا, قبل خلق تک. اے وہ صاحب عظمت بی بی جس کا اللہ نے امتحان لیا اس کے خلق ہونے سے پہلے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, امتحان لیا خلق وجد صابرہ,
और अल्लाह ने आपको साबिर पाया, आपको साबिर पाया। देखिए बहुत हमारे जाकिरीन उजाम बैठे कि बहुत वो मारिफत की मंजिलें हैं। ये नहीं कहा अल्लाह ने कि मुझे इल्म हुआ क्या आप साबरा है, मैंने पाया आप साबरा है, तवज्जो नहीं कर रहा है। इल्म होने में और पाए में क्या फर्क है? इल्म का होना भी खबर है, पाना ये भी खबर है, लेकिन यहाँ लफ्ज खबर इल्म का नहीं हो रहा। तवज्जो, आपको मैंने पाया क्या मतलब? आपने एक खबर पाई एक एक्सीडेंट हो गया, तवज्जो, एक्सीडेंट का पता कैसे चला? आप यहां बैठे आवाज आई, आवाज आई तो आप समझे कि एक्सीडेंट हो गया। इल्म आपको कहां से हुआ? आपने खुद जाके देखा नहीं, बल्कि उसके असर से जो आवाज आई उससे आपने समझा कि एक्सीडेंट हुआ। लेकिन जब आप वहां पहुंचे तो आपने देखा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, ट्रांसफार्मर फट गया। वो आपने जो सुना था वो इल्म था, और जो वहां जाके देखा वो पाया। यानी इल्म सिर्फ खबर है और वजह का इल्म यकीन है। अपना हमें इतने यकीन के साथ जनाब सैयदा को फातिर पाया है। समझे जनाब सैयदा की अजमत क्या? यानी उसे अल्लाह ने ये जो सारी अजमतें दी है वो खल्क होने से पहले, खल्क होने के बाद नहीं। देखिए खल्क होने के बाद इंसान दुनिया में आकर काम करता है और कुछ अमल करके इम्तिहान देके उसके नतीजे में वो कुछ हासिल कर लेता है, वो अलग बात है। यानी बतदरीज दुनिया में आकर काम करके वो कुछ मर्तबे हासिल करे। जनाबे सैयदा वो नहीं किससे दुनिया में आकर मर्तबे हासिल किया है, नहीं बड़ी तवज्जो बरसा दी, नहीं ये नहीं है जनाबे सैयदा कि दुनिया में आकर जनाबे सैयदा ने बतदरीज अमल करके साबिरा जो पाया जनाबे सैयदा को क्या मतलब? साबिरा कब पाएगा अल्लाह? जब जुल्म पर सब्र होगा, तब जुल्म पे सब्र हो तब अल्लाह साबिर पाएगा। तो जनाबे सैयदा के जुल्म का वक्त तो बाद रिसालत सिर्फ 95 दिन है। तवज्जो नहीं किया आपने, मेरे जुमला कुछ दिया वो तो जिंदगी के आखिरी दिन है, जहां ये मजालिम आए हैं, जहां ये मुसीबतें आई हैं, जिन पर जनाबे सैयदा ने सब्र किया। तो क्या ये 95 दिन? अल्लाह तो ये कह रहा है इस ज़ियारत में तो ये जुमले हैं कि अल्लाह ने आपको साबिर पाया आपको आलमे अरबा में खल करने से पहले। वाह वाह वाह, इसलिए आपको सारी नेमतें अता कर दी गई पहले, आपको तहारत अता कर दी गई पहले, आपको अजमत अता कर दी गई पहले, आपको सब कुछ अता करके भेजा खल्क होने से पहले। इसलिए कि अल्लाह जानता है कि ये वही करेंगे, इस वादे पे सारी कायनात की अजमतें अता की है कि तुम जाकर जोहद अख्तियार करोगे, तुम वफा करोगे। अल्लाह को ऐन यकीन है कि ये वफा करेंगे, ये जाहिदाना जिंदगी गुजारेंगे। लिहाजा अल्लाह ने दुनिया में आने के बाद इम्तिहान लेकर इन्हें अजमतें अता नहीं की है, खिलकत से पहले इन्हें अजमतों के साथ। भाई क्या कहने, बस आखिरी बात इसकी खत्म किया मैंने। ये जनाबे सैयदा अगर दुनिया में आकर ये खिदमतें करें और ये जुल्म बर्दाश्त करें तो उसके नतीजे में ये मर्तबा मिले। लेकिन हम तारीख जनाबे सैयदा को देखते हैं, सीरत जनाबे मुस्तफ़ा को देखते हैं कि अल्लाह का रसूल उस वक्त जनाबे सैयदा का एहतराम करता है जब वो बच्ची है। कुल्लमा
दखलत फातिमा। मशहूर हदीस तमाम किताबों में, तमाम किताबों में, शिया सुन्नी तमाम सही में सब में मौजूद है। कुल्लमा दखलत फातिमा, जब भी जनाबे फातिमा है, जब भी दिन में 100 दफा आ जाए, अच्छा नहीं कि हफ्तों में महीनों में नहीं, दिन में 100 दफा फातिमा आए, क्या होता था? जब भी जनाबे फातिमा ज़हरा आती थी क्या होता था? काम आई गई अल्लाह का रसूल खड़े हो जाते। अरे दोस्तों आपने सुना है, तर्जमा ये सुना है, काम की किबला बैठे काम आई रही अल्लाह के रसूल खड़े हो, नहीं ये तर्जमा नहीं है काम आई रही, बल्कि इसका तर्जमा ये है कि जब जनाबे सैयदा आती अल्लाह के रसूल उठकर खड़े हो जाते और आगे चलकर जनाबे सैयदा का इस्तकबाल करते। अजीब जुमला बताओ जो लिखा हुआ तारीख में कि रसूल खुदा लपक कर आगे बढ़ते थे और जनाबे सैयदा का इस्तकबाल करते थे, कमले यदि उसके हाथ का बोसा लेते थे, अजलस को भी मतलब नहीं, उस जगह पर जनाबे सैयदा को बिठाते जहां खुद बैठे होते। बस अगर इस मेरी बात पर पहुंच गए हैं, ये जनाबे सैयदा का एहतराम कब से हो रहा है? जब अभी बच्ची, जिसको किसी ने यूं बताया कि जनाबे सैयदा सने बुलूग पर, हालांकि ये सने बुलूग का ताल्लुक जनाबे सैयदा से नहीं है, ये वो हस्तियां हैं जिनसे ये ताल्लुक नहीं होता, वजह ना ये मजदूर हजरा है, ये इनके साथ ये बातें नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि अभी तो छोटी बच्ची है और उस्वत आलम है, तो जब ये छोटी बच्ची है तो अभी तो वो मजालिम आए नहीं, अभी तो वो बात हुई नहीं, तो फिर अल्लाह का रसूल इस तरह का जो एहतराम कर रहा है, वो जो अल्लाह ने सब पे पहले खल्क होने से पहले अता किया, क्या क्या एहतराम है, क्या इस एहतराम की मंजिल क्या है? मैंने बड़े आसानी से जुमले कह दिया, आप हमेशा सुनते रहते हैं इस हदीस को बड़े आसानी से, लेकिन इसकी गहराई क्या है, इसका बस मंजर और गहराई क्या है कि जहां जनाबे सैयदा आई रसूल जहां अपनी मसनद पर बैठे उस मसनद को छोड़ दिया, लपक के आगे बढ़े, सैयदा का इस्तकबाल किया, हाथों का बोसा लिया और उस जगह उस मसनद पर जनाबे सैयदा को बिठाया जहां खुद बैठे थे। जी मंदिर, जी मंदिर, ये मसनद किसकी है? इस मसनद को इस्तेमाल करने के लिए 124,000 अंबिया आए, 124,000 अंबिया इसलिए आए कि ऐसी मसनद बने जिसपे खातमुल अंबिया आकर बैठे हैं। जो नहीं कर रहे मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है, ये 124,000 अंबिया की मेहनतें इसलिए है कि एक ऐसी मसनद जो खातमुल अंबिया के लिए हो, जहां खातमुल अंबिया आके रौनक अफरोज हो, तो उन 124,000 अंबिया में से किसी की जरूरत नहीं है जो मसनद खातमुल अंबिया पर बैठ सके। नहीं समझ रहे जनाबे सैयदा के मतों को, जनाबे फातिमा जहरा क्या है? 124,000 कहा जाता है और अंबिया ज्यादा है, किसी ने कहा 1,00,000 तो ये बताने के लिए कहा जाता है, 124,000 अंबिया इस मसनद के लिए राह मार करते रहे हैं जिस मसनद पर खातमुल अंबिया आकर बैठे अजीजो, और उस मसनद पर किसी नबी को बैठने का हक नहीं है, किसी पैगंबर को उस मसनद पर बैठने की जरूरत नहीं है, और फातिमा जहरा वो है कि जिसके लिए अल्लाह का रसूल ये मसनद छोड़कर फातिमा जहरा को वहां बिठाता। उस मसनद में फातिमा जहरा कौन बीबी है साहिब कि जिसकी मसनद पर अल्लाह का रसूल उसे बिठा, अल्लाह का रसूल उस मसनद पर जनाबे सैयदा, ये अजमतें, ये
जनाब सैयदा का जलाल और जमाल, इसलिए कि जनाब सैयदा कोई मामूली बीवी नहीं है, जलाल अली भी है और जमाल मुस्तफा भी है। ये उस बीवी की बात हो रही है, उसकी अजमतों का अंदाजा कौन लगा सकता है। उसे साबिर पाया, सब्र किया, सब्र किया जनाब सैयदा, और इस सब्र में सबसे पहला सब्र तो जनाब सैयदा का विलायत और इमामत के दिफा पर, जिसके सिलसिले में जनाब सैयदा ने मुसीबतें उठाई। रसूल खुदा के बाद जो सबसे पहली मुसीबतें हैं क्या है, क्या चीज है, कौन था ऐसा जुर्म था, वो यही तो था ना। पहला जुर्म क्या है, हसीना जा रहा है उस नजीर के मेंबर के वारिस का, पहला जुर्म तो यही है, बना दिया गया और उसी के लिए जनाब नहीं सैयदा गई है। लोग कहते हैं फदक मांगने के लिए गई थी, वजह तो बहाना है, खुतबा पढ़िए जनाब सैयदा का, इतने बड़े खुतबे में दो चार लफ्ज आते हैं सिर्फ फदक के बाद, बाकी पूरा खुतबा पढ़े तो आपको पता चलेगा क्या क्या जनाब सैयदा ने कहा। लेकिन सबसे पहली मुसीबत जनाब सैयदा की कि जिसे बर्दाश्त किया है वो हिफाजत इमामत और विलायत है। मौला अली खुद, बड़ा अजीब जुमला कह रहा हूं लेकिन घबराइए नहीं, और ये हकीकत है किबला जिसको मैं आज कर रहा हूं और आजकल के मैं अपने दोस्तों से भी कहूंगा और आप तमाम सामईन से भी कहूंगा, मैं जितने भी अहले बिला के लोग हैं, जितने भी मजालिस के सुनने वाले हैं, वो अक्सर बहुत सारी बातें सुनते हैं। जनाबे सैयदा जुल्म बर्दाश्त किया, सब्र किया, किस बात पर, मौला अली के विलायत की हिफाजत में, मौला अली के इमामत की हिफाजत में, इसलिए कि हिफाजत विलायत और हिफाजत इमामत अली जैसा इमाम भी खुद नहीं कर सकता था। बड़ा जुमला कहा है मैंने, अगर अली खुद भी अपनी विलायत का दिफा नहीं कर सकते थे, अली खुद भी अपनी इमामत का दिफा खुद नहीं कर सकते थे। जब अली नहीं कर सकते थे तो उन सहाबा की जो सहाबा है मोहब्बत करने वाले सलमान और अबू ज़र मिक्दाद, इनकी क्या हैसियत है, वो भी नहीं कर सकते थे दिफा विलायत और इमामत का। कहते हैं कि जनाबे सलमान को भी इस दिफाए विलायत में एक ताजियाना लगा था, तो जाना बैठे कौन सी किस्मत लगा था, सुन ले ये जो आते ये बातें नहीं सुनाई जाती। कब लगा जनाबे सलमान को ताजिया, उस वक्त लगा कि जब मौला अली के गले में रस्सी डालकर ले जाया जा रहा था, तो सलमान ने एक दफा सोचा कि जो खुद फातह खैबर है, जिसकी जुल्फकार के चर्चे हैं, वो क्या खुद को नहीं बचा लेगा, मैं उसके लिए कैसे आगे बढ़ूंगा। बस एकदम ये ख्याल आया, ताजियाना पड़ा, सलमान जरा संभल जा, सलमान संभल जा, ये हक्के दिफाए विलायत, ये हक्के दिफाए इमामत अल्लाह ने उस बीवी के सुपुर्द किया। तवज्जो कर रहे हैं, तो मैं जुमला कहने जा रहा हूं, ये हक्के विलायत मौला अली और मासूमी, हक्के इमामत आइम्मा अल्लाह ने उस बीवी के सुपुर्द किया जो इस कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर मासूमा है। ये जिम्मेदारी अल्लाह ने जनाबे सैयदा के सुपुर्द की। तसव्वुर करो हमारे जैसे गुनाहगार वकील विलायत अली बन जाए, क्या कहने,
ऐसा शहंशाह अपनी इमामत को नहीं दिफा कर सकता, इसलिए कि ये भी हदीस है कि मसलो इमाम काबा, इमाम की मिसाल काबे की तरह है, काबा लोगों के पास चलकर नहीं जाता, काबे के पास आना जनाब सैयदा मौला अली को नहीं बुला, जुल्म हो रहा है जनाब सैयदा इमाम हसन और हुसैन को नहीं बुला, जो उस पर मौजूद है, जो घर में मौजूद है, मदद के लिए जनाब सैयदा ने इमाम हसन और हुसैन को नहीं बुलाया, मौला अली को नहीं बुलाया। वही तारीख से जुमला मिलता है कि जनाब सैयदा की जबान पर सिर्फ एक लफ्ज था, या महदी अजरक नहीं, ए मेरे बेटे महदी मेरी मदद करो, जो अभी आया नहीं, जो अभी दुनिया में है नहीं, पता नहीं कब आएगा, उस इमाम को पुकार रही है। क्यों? अली मौजूद है नहीं पुकारा, हसन मौजूद नहीं पुकारा, हुसैन मौजूद नहीं पुकारा, उसे पुकारा जो आखिरी वक्त में आने वाला है। क्या मतलब था? जनाबे सैयदा ने मुस्तफा के बाद कयामत तक के लिए इमामत के सिलसिले को महदी तक पहुंचा दिया था, जिसे अल्लाह ने साबिर पाया, जिसने मजालिम पर साबिर किया। दुनिया बहुत सारी बातें करती है कि कुर्बान जाए उस साबिरा बीबी पर, क्या हो गया? सिर्फ 95 दिन अपने सैयदा के मसाइल छोड़ रहे हैं, बीबी है जिसके मसाइल को दुनिया समझे, दादा 95 दिन है सिर्फ रसूल खुदा के पास, कोई दिन ऐसा नहीं है जो जनाबे सैयदा के आंसू नहीं बचे, कोई दिन ऐसा नहीं है जो सैयदा साहब चैन से है बाबा के पास। तारीख कहती है अजादारों बाबा दुनिया से गए, फातिमा जहरा रोती है, अजादारों घर में रोए, लोग घर में रोने नहीं, फातिमा जहरा को घर से बकिया की तरफ भेज दिया गया, हम बकिया में जाकर जनाबे सैयदा बाबा को रोती है, बाबा को रोती है अजादारो, अजादारो तारीख का जी मंजर सुनोगे ना, जब बकिया में जनाबे सैयदा जाती है, अजादारो एक दरख्त है जिसके पीछे बैठकर नबी जादी बाबा को रोती है, एक दिन आई चेहरे पर अजादारो धूप की जमानत को जनाबे अली ने देखा, फातिमा क्या हुआ? जिस दरख्त के नीचे बैठ कर मैं अपने बाबा को रोती थी, उस दरख्त को दरख्त काट दिया गया, आजादारो जन्नतुल बकी में बीबी नहीं रो रही है। रिवायत में है कि मैदाने ओहद में चली जाती है जनाबे सैयदा, मैदाने ओहद में चली जाती है, दिन भर जाकर अपने बाबा को रोती है आजादारो, रात को आती है और अब जुमला कहती है, बाबा रे बाबा जहरा का तना तनहा कौन हो सकता है बाबा, आपके बाद जहरा को वो तनहाई है बाबा, ये दुनिया ने आंखें फेर ली है, बाबा जहरा आपको याद करके रो रही है, लेकिन मेरा गम गुजार कौन?
आजादारो क्या हुआ फातिमा जहरा, बस आजादारो सुनोगे ना आजादारो, बाबा से मुखातिब होकर कहती है बाबा मेरे मसाइब सुनोगे, बाबा मेरे मसाइब सुनोगे बाबा, बाबा लोग अली का सलाम कबूल नहीं करते, बाबा लोग अली के सलाम को कबूल नहीं करते। आजादारो तारीख का जी मंजर है, जनाबे सैयदा बाबा से कह रही है और सुनोगे आजादारो, हाँ बाबा जिस दरवाजे पर आप रुक कर आए तो तहीर की तिलावत करते, खुदा की कसम अजीब मंजर है। मर्तबा सैयदा बाबा से मुखातिब होकर कहती है, ए बाबा जिस दरवाजे पर आप आकर रुकते थे और रुक कर आए तहीर की तिलावत करते थे, बाबा उस दरवाजे पर हुजूम जमा हुआ, मेरे दरवाजे को जलाया गया और दरवाजे दीवार के दरमियान नबी जादी है, एक जालिम ने पहलू का वो सर मारी, मेरा बेटा शहीद हो गया। हाँ बाबा अली के गले में रस्सी डाली गई, अली के गले में रस्सी डाली गई, अजादारो लेकर जा रहे हैं, जनाबे सैयदा ने एक मरतबा अली के दामन को पकड़ लिया, अजादारो तारीख कहती है इतना अजादारो जोर से जनाबे शक्ति के साथ जनाबे सैयदा ने अली के दामन को पकड़ा है, अजादारो दामन नहीं छूट रहा, अजादारो एक मरतबा एक जालिम ने आगे बढ़कर एक मरतबा सैयदा के हाथ वो जो जरा मारी है इस सैयदारों के कहती है, बाबा आपके बाप सीधे हाथ से तस्वीर भी नहीं पढ़ सकते, बाबा मुझ पर जुर्म हुआ कि मैं तस्बीह भी नहीं पढ़ सकती अजादारो, हाँ ये वो सैयदा है अजादारो, हाँ अजादारो तारीख अजीब मंजर है, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, अजादारो दुआ मांगो खुदा कभी किसी ऐसी बीबी को मौत न दे उसके बच्चे बहुत छोटे अजादारा, छोटे बच्चे वाली माँ हो ना अजादारो, सबके दिल में रहम आता है, ये बीवी मर गई इसके बच्चों का क्या होगा, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, इन्हें कौन पालेगा, माँ के बाद क्या होगा अजादारो, लेकिन जुमला कौन सुनते रहते हो ना अजादारो, ये जनाबे सैयदा 18 बरस की है अजीजो, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम अभी छोटी है, हसन और हुसैन अभी छोटे है, उसके बावजूद जहरा जैसी मोहब्बत करने वाली माँ, अरे नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे, ए परवरदिगार काश मुझे मौत आ जाती, ये फातिमा जहरा है अजीजो, बच्चों बच्चे के छोटे होने के बावजूद फातिमा जहरा रो रही है, अपनी मौत की दुआ कर रही है, बस आखिरी जुमला सुन लो अजादारो, जनाबे सैयदा कि जनाबे सैयदा के लिए जब हसनैन को भेजा गया ना कि जाकर अपने नाना के रोजे पर माँ की सेहत याबी के लिए दुआ करो, आजादारो इमाम हसन ने कहा ए नाना मेरी माँ बीमार है आप उनके लिए दुआ करें, हुसैन आगे बढ़े कहा नाना ये मेरा भाई अमीर है, ये अमीरों वाली बात करता है, मैं आपको बताता हूँ मेरी माँ बीमार नहीं है, मेरी माँ जख्मी है, मेरी माँ जख्मी है बाबा, मेरे माँ को जख्म लगे हैं, अजादारो सुनते हो तारीख के अजीब जुमले हैं अजीजो, बस आखिरी बात जनाबे सैयदा को वो जख्म आए, मौला अली जनाबे ज़ैनब से जनाबे सैयदा के जख्म छुपाते थे, मेरे जुमला कह दिया अगर तुम चले मौला ना, मौला अली जनाबे ज़ैनब से जनाबे फातिमा ज़हरा का जख्म छुपाते थे, सीने पर जख्म था अजादारो, कील लगी जनाबे सैयदा को अजादारो, अली जनाबे सैयदा के उस जख्म को जनाबे ज़ैनब से छुपाते थे, बस अजादारो जुमला कहूँ ना मौला अली की बारगाह में मौला आज एक जख्म सैयदा मौला सिर्फ एक जख्म है सैयदा के सीने पर, आप ज़ैनब से छुपा रहे हो लेकिन मौला जरा कर्बला में आना, इतने जख्म है कहीं हुसैन के जिस्म का बोसा नहीं ले सकती, बस करीब आई कटे हुए कंधे पर अजादारों रगों पर खून रख के ज़ैनब ने बोसा लिया, आए जाने मुस्तफा ये आपका नाम है, सलाम करके कहा अस्सलाम अलैका या जद्दा, ए नाना ये मेरा हुसैन जिसके जिस्म की बोली हो।
الا لعنة الله على الظالمين فسجعل على الذين ذكروا ايها منك البين تلبون پروردگار خالی اس کے بعد اپنی بار کام قبول الہی پروردگار نے جب جناب سیدہ کا ذکر کیا پروردگار سے جب ہوتا ہے ہمیں ہوئی ہم نے جناب سیدہ کے ذکر کا ادا نہیں کیا پروردگار ہماری بے جان عبادتوں میں جناب سیدہ کے صدقے میں پروردگار ان میں خلوص اور ان میں طاقت عطا جناب سیدہ کے صدقے میں ہماری ان عبادتوں کو قبول جتنے جہاں کئی مومنین جناب سیدہ کے ذکر میں مصروف ہیں ماشاءاللہ بہت ذکر ہو رہا ہے جناب سیدہ کا اور یہی وقت ہے عزیزو اسی ذکر کو آگے بڑھنا ہے پروردگار اس ذکر کو بھی بلندی عطا پروردگار تمام دشمنان ذکر و نیش و نابود سب کو ذکر محمد والے محمد مصروف رہنے کی توفیق آستان محمد والے محمد پر ثابت قدم رہنے کی توفیق پروردگار ہمیں سیرت محمد والے محمد پر چلنے کی توفیق پروردگار دنیا کو جناب سیدہ کے غموں کو سمجھنے کی توفیق پروردگار اس کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے جتنے مومنین ان مجالس میں آئے ہیں آتے رہتے ہیں پروردگار جو حاجتیں لے کر آ رہے ہیں جناب سیدہ حنیہ کے صدقے میں ان کی حاجتوں کو جناب سیدہ کے صدقے میں ان کے دلوں میں پروردگار نور ایمان ان کے دلوں کو جناب سیدہ کی محبت سے منور پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے بہت سارے لوگ اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں پروردگار جناب سیدہ کے صدقے میں پروردگار اس وبا کا سب کو محفوظ فرما اس وبا کا جلدی سے خاتمہ فرما پروردگار جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرمائے پروردگار جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرمائے پروردگار جو مفروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرمائے پروردگار ہم سب کو صدقے محمد و آل محمد دین اور دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرمائے ہمارے اتنے مومنین زاکرین ہمارے شعرا ہمارے سلام خان جنہوں نے ذکر جناب سیدہ میں حصہ لیا پروردگار ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں اور جلا عطا فرما اس امام زمانہ کی امام بارگاہ کے جتنے منتظمین ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما مدر صاحب یا نماز پڑھاتے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ہمارے تمام زاکرین کی جہاں مجلس سے ہوتی رہی وہاں حاضر رہے پروردگار ان سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں فرما ہمارے زمانے کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے انصار و حوار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما ماتم ہے جزاک اللہ